हेलो एवरीवन, ए वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पर। स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर, तो क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और आरपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ। आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज प्ले स्टोर में जाकर वो ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के आपको यहाँ पर बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जिनमें से पहला है, यहाँ पर मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा। डेली लाइव क्लासेस में आपको यहाँ पर आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कोई भी डाउट अगर आपको क्लास के बीच में आता है या क्लास के बीच में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, तो क्लास के बात की जरूरत नहीं है, डाउट सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लास के बीच में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, जैसा कि आपने प्लस कोर्सेज पर देखा होगा मेरी क्लासेस के अंदर, पूरा का पूरा जो भी आपका सिलेबस है पूरा 360 एनालिसिस करवाया जाएगा सिलेबस का, एंड देन पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा भी आपने देखी होंगी, इनके बारे में भी आप अच्छे से रूबरू होंगे, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा यहाँ पर डेली बेसिस पर होती है, जो भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसके लिए लाइव टेस्ट एंड क्विजेस उपलब्ध होते हैं, जिनके थ्रू आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका टॉपिक कितना तैयार हुआ है। अनलिमिटेड एक्सेस, आप वीडियो को एक बार नहीं हजार बार देख सकते हो, ठीक है, मतलब एक बार की सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिलता है। अगर कोई वीडियो आपका स्किप हो गया है बाद में आप उसको डाउनलोड कीजिए और मल्टीपल टाइम आप उसको देख सकते हैं। और ओवरऑल आप सभी ने देखा होगा कि बहुत अच्छी फैकल्टीज यहाँ पर अवेलेबल है, राजस्थान की टॉप फैकल्टीज आपको आरपीएससी के चैनल पर पढ़ाएंगी, और ओवरऑल सारी फैकल्टीज सबसे बेस्ट हैं। और देखा जाए तो सारी फैकल्टीज मिनिमम फीस में आपको यहाँ पर पढ़ाती है। अगर मैं आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,000 रुपए का और 2 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 8,400 रुपए में आपको मिल जाता है। बात की जाए अगर डिस्काउंट की तो छोटा सा कोड है मेरे नाम का एक Dilip10, अगर आप अप्लाई करोगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। आफ्टर 10% डिस्काउंट जो 12 महीने का जो कोर्स है, मतलब 1 साल का कोर्स 7,000 से सीधा 6,300 रुपए में आपको मिलेगा, और 2 साल का जो कोर्स था वो 7,560 रुपए से, मतलब 8,400 रुपए से सीधा 7,560 रुपए में आपको मिल जाएगा, 7,560 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाता है। ये रही अपनी नॉर्मल सी बातें, और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मुद्दा, जो कि आज हम आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ 2-4 दिन में आपको कुछ अलग टॉपिक्स पर वीडियो करवाने वाला हूँ। एनसीईआरटी हम थोड़ा सा मतलब आगे खिसका रहे हैं, 2-4 दिन ज्यादा नहीं, कल आज का जो रहेगा हमारा आरएएस जो प्रीलिम्स और मेंस का 2018 का पेपर, ये आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए ये एक वीडियो मुझे और लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। एक वीडियो मुझे ऐसा मान लीजिए पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड में बाकी बचा हुआ जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा। एंड देन कल की क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, और वो टॉप 100 क्यों मैंने कहा वो कल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो टॉप 100 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर, जो कि आज तक यूट्यूब में कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाता है, ठीक है। साइंस के अंदर आप देख लीजिएगा कि साइंस के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कोई करवा रहा है तो मेनली प्रीलिम्स को लेकर या प्रीलिम्स को फोकस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, लेकिन कल हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी और नई तरीके से हमने स्टार्ट किया है, और इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर चलता रहेगा। तो एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर आज तक हमने पढ़े हैं उनमें से कितने मेंस के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, कितने मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक बने हैं और बनने की संभावना है, ये सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, कोमल शर्मा जी, सुरेश जी, आलोक, राजेश जी, ओके, सोमपल जानी जी, अजय, ललिता शेखावत, कोमल जारवाल, तरुण वर्मा, अजय, रूप सिंह, गुड्डू शर्मा, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है आरएस 2018 प्रीलिम्स एंड मेंस साइंस पेपर एनालिसिस के नाम से ये पेपर है, और क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि ओवरऑल कौन कौन से क्वेश्चन जो है अपने एनसीईआरटी से हैं, कौन कौन से नोट से हैं, और सारा सब कुछ। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजिक रेशे का उदाहरण है। तो जवाब आपको देना है, आप आराम से जवाब दीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन मैं करूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा और आपको बताया भी जाएगा कि ये कहां से ये आपका पूछा गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर देंगे कोई? सुरेश जी, ओके, कोमल, राजेश, गैर सेल्यूलोजिक,
नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर कौन सा है डायरेक्ट एनसीईआरटी में से, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है भैया, ठीक है। पॉलीमर नाम से चैप्टर है सेवेंथ क्लास में, सेवेंथ क्लास में पॉलीमर नाम से चैप्टर है। इसके अलावा इलेवेंथ क्लास में भी पॉलीमर नाम से चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है, वहां पर भी आप ये देख सकते हो। और सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी जिसको लोग बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं, सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपको पॉलीमर नाम से एक चैप्टर मिलेगा, वहां पर आपको ये जो है एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखो आरएस 2018 का सबसे पहला सवाल जो कि सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी का अहमियत आपको पता चल जाएगा। और मैं जो कह रहा हूं ना आपको वो एग्जैक्ट डेटा है, आप अगर जाकर एनसीईआरटी में से देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर आपको लाइन टू लाइन ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो जवाब आपका है इलेवेंथ क्लास की केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा, कोमल शर्मा का आंसर डी होगा। ओके ठीक है, तो आप सभी को पता है बेटा जूट है, रेयोन और लिनन, इन तीनों के अंदर सेल्यूलोज देखने को मिलता है। लिनन आप पहना होगा किसी ना किसी ने, रेयोन है पहला कृत्रिम रेशा माना गया था रेयोन को, ठीक है, इसमें भी आप सेल्यूलोज पेपर की लुगदी यूज होती है। और जूट जो है, जूट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, सन जूट वगैरह, हेम्प वगैरह नाम सुना होगा आपने, प्योर प्योर सेल्यूलोज है, क्लियर है। तो यहाँ पर नाइलॉन जो है आपने नाम सुना होगा, नाइलॉन 66 वगैरह, तो नाइलॉन के बारे में जब मैं आपको पॉलीमर पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल के अंदर सारे के सारे इनके यूज पढ़ाऊंगा, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आपका यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, नाइलॉन, सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल। सवाल नंबर दो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरवण सिंह देवड़ा नमस्कार, स्वागत है, कैसे हैं आप। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एंड एप, बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, बहुत सही जवाब आपने दिया है। सवाल नंबर दो की तरफ आगे बढ़ते हैं। द वेव्स यूज इन नॉर्मल टीवी रिमोट कंट्रोल, मैंने मेरी क्लास के अंदर करवाया हुआ सवाल है ये, क्लास के अंदर करवाया था और एनसीईआरटी में एज इट इज है, एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। कोमल अगर तुमने मेरी एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है, जितने भी बच्चे यहाँ पर एनसीईआरटी पूरी क्लासेस ले रहे हैं मेरे, उनको पता होगा मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया आपसे ये टीवी कंट्रोल के बारे में। और मैंने आपसे कहा था रात को देखने वाले जो यंत्र होते हैं, रात को जो नाइट विजन कैमराज होते हैं उनके अंदर भी यूज किया जाता है। तो मैंने कहा कि द वेव्स यूज्ड इन नॉर्मल टीवी रिमोट कंट्रोल, सामान्य टीवी कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है, एक्सरे, अल्ट्रा, इंफ्रारेड या गामा रेज, जवाब आपको देना। और इसके इसके साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, एग्जाम्पल ताकि रिलेट करके आप इसको याद कर सको। अजय का जवाब आ गया है, गुड्डू शर्मा, ओके। और कोई जवाब, ये सवाल जब मैं पढ़ा रहा था आपको एनसीईआरटीज में, ठीक है, ट्वेल्थ फिजिक्स में पूरा चैप्टर है इस पर, मैंने पढ़ा था 2016 में। सोमपल कह रहे बेटा, जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि याद है शुरुआत में जब आप फोन यूज किया करते थे, आज पहले आजकल चल रहा है जैसे आप जेंडर वगैरह से एक्सचेंज करते हो सारी चीजें, देखा है ना, आप जेंडर वगैरह से एक्सचेंज करते हो, जेंडर है, शेयर इट है ना, ये वाईफाई के थ्रू शेयरिंग होती है। इससे पहले जब आप थोड़ा सा और टाइम, आज से 6 7 8 10 साल पहले जाओगे, तो उस टाइम पे आप ब्लूटूथ से क्या क्या करते थे, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके एंड देन शेयरिंग किया करते थे। ब्लूटूथ से काफी स्लो होता था, ब्लूटूथ वाला जमाना सबने जिया है और मैंने जिया है इंफ्रारेड वाला। जब आप छोटे छोटे से कीपैड फोन रखा करते थे, जब सोनी इरिक्सन वगैरह, सैमसंग वगैरह चला करते थे, ठीक है, नोकिया जब अपने चरम पर चल रहा था उस दौरान, तो इन सब फोनों के अंदर छोटी छोटी सी रिंगटोन या छोटी छोटी सी 145 KB की, KBPS की इनकी कुछ फोटोज आती थी, वो एक्सचेंज किया करते थे। तो उनसे फोन को बिल्कुल पास पास ऐसे अड़ा के और एंड देन इंफ्रारेड ऑन किया करते थे, इंफ्रारेड से कनेक्ट किया करते थे, तो वो जो एक्सचेंज होता था वो इंफ्रारेड से होता था। और आज के टाइम पर आप जो रिमोट कंट्रोल यूज करते हो उसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स होती है, क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है। इसके अलावा आप नाइट विजन कैमरा जो आपने देखा होगा, जो आप किसके ऊपर लगाते हो, जैसे अमेरिकन आर्मी में आप देखा होगा ना कि आपके बंदूक के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा रहता है, उसमें आदमी हरा हरा कलर का दिखाई देता है, नाइट विजन। आपने डिस्कवरी के ऊपर देखा होगा कि जब शेर वगैरह नाइट विजन, उनकी आंखें चमकती रहती है, ग्रीन कलर का उनको दिखता रहता है, देखा नहीं देखा आपने वो सारा, वो बेटा इंफ्रारेड होता है, वो क्या होता है, इंफ्रारेड विजन होता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका इंफ्रारेड रहेगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बताया भी था अगर आपने ध्यान दिया हो तो।
ये मैंने एग्जाम्पल पढ़ाते टाइम पे आपको दिया भी था, ठीक है। ये सवाल सीधा सीधा एनसीईआरटी का है। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, विच मेटल इज जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास, ठीक है। ब्रास के जो बर्तन है, मतलब आप कहेंगे ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। मेटलर्जी का सवाल है, केमिस्ट्री में मेटलर्जी, ठीक है, केमिस्ट्री में मेटलर्जी नाम सुना होगा आपने। तो ताम्र संदूषण से बचाने के लिए, ठीक है, जो कॉपर कंटामिनेशन है उससे बचाने के लिए आप जो भी आपके बर्तन है, किसके पीतल के बर्तनों पर किसकी कोटिंग जमाते हैं, मेटलर्जी का सवाल है। अगर थोड़ा बहुत मेटलर्जी आपको आता है तो आप जवाब दे सकते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सोमपल जानी गेम में देखा, बिल्कुल बेटा गेम के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा ये। वेरी गुड कोमल, यार तुम तो इंटेलिजेंट हो गई। सुरेश जी ने इस बार थोड़ा सा आंसर गलत दे दिया है, थोड़ा नहीं पूरा दे दिया है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है ना सर, गैल्वेनाइजेशन जो होता है, जिसको आप क्या कहते हो, गैल्वेनीकरण, वो सर लोहे के लिए होता है, वो लोहे की बलिदानी सुरक्षा है। वो आप क्या, जो आपका रस्टिंग होता है ना, रस्टिंग को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। लोहे के ऊपर आप जिंक की पतली परत बना देते हो तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन लोहा बच जाता है, इसको आप बलिदानी सुरक्षा भी कहते हो, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो गैल्वेनीकरण और गैल्वेनाइजेशन जंक वो सिर्फ लोहे के लिए होता है सर। अगर आप बर्तन की बात करें, पीतल के बर्तन, तो आपने कभी देखा होगा ना, मम्मी से सुना होगा पीतल के बर्तन पर नींबू का पानी नहीं बनाना चाहिए या कुछ और ऐसा देखा होगा। नॉर्मली आपने आचार वाचार के लिए भी आप पीतल के बर्तनों का यूज नहीं करते हो, है ना, देखा होगा ना आपने। घर में भी आप अगर मम्मी से भी पूछोगे ना, पीतल के बर्तन में मत बना बेटा, ऐसा बोलेंगे वो, ठीक है। तो पीतल के बर्तन का रीजन क्या है, पीतल जो है रिएक्ट कर जाता है एसिड वगैरह से, इसीलिए इसके ऊपर टिन की एक परत, जिसको आप क्या कहते हो, रांगा, जिसको आप क्या कहते हो, रांगा, रांगा कहा जाता है टिन को, ठीक है। यहां पर क्या लिखा जाता है, रांगा। कुछ बच्चे हिंदी के अंदर समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए टिन, टिन SN, SN का यूज किया जाता है, टिन का यूज किया जाता है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। संक्षारण जो है, यू समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा। मिक्स मेटल नहीं होती, मिक्स तो एलॉय होती है, ठीक है, मिक्स मेटल नहीं होती, मिश्र धातु कहते हो आप, एलोय कहते हो आप उसको, एलोय कहते हैं, क्लियर है, ये धातु नहीं है, मिश्र धातु है जिसको एलोय कहा जाता है। अच्छा, तो अच्छा जवाब था कोमल, मुझे उम्मीद से परे आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। ये जो कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आपको टैग पढ़ाऊंगा तब थोड़े क्लियर होंगे, तो उन सवालों को थोड़े दिनों के लिए या थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर डाल देंगे अपन, ठीक है। कुछ जो आपके जवाब होंगे वो हम थोड़े से होल्ड पर डाल देंगे। तो जैसे आपके ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है, तो ये मेनली आपको थोड़ा सा समझ से परे है अभी, क्योंकि मैं अभी उन्हीं सवालों को आपसे मतलब हल करवा रहा हूं जो सवाल अभी तक मैंने करवाए हैं आपको। तो कुछ स्पेस एंड टेक के सवाल होंगे जो मेनली शायद अभी आपको समझ नहीं आएंगे कि स्काई वेव्स क्या होती है, स्पेस वेव्स क्या होती है, लेकिन रिसेंट अभी जस्ट मेरा टैग वाला जो मुद्दा आने वाला है, टैग वाला मुद्दा आने के जस्ट बाद में आपको ये सारे सवाल हल करवा दूंगा, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये सब मैं करवा चुका हूं अभी, ठीक है। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ी टाइम के लिए, तो मशीनी भाषा और ये सारा सब कुछ स्पेस एंड टैग के अंदर आएगा, तो टैग वाले पार्ट के अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। टैग वाले पार्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सवाल तो आप ऐसे कर सकते हो, या जनरल नॉलेज के हिसाब से है ये सवाल तो, और जनरल नॉलेज मेनली जो इंजीनियर होंगे शायद उनको भी पता होगा ये सवाल तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ये तो यार आप दिन के अंदर शायद 50 बार यूज करते होंगे, आप ईयरफोन कनेक्ट करते हो ब्लूटूथ से और वाईफाई यूज करते होंगे, तो मेनली ब्लूटूथ और वाईफाई में इनमें से कौन सा अंतर सही, ये जवाब आप बता सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो, ये सवाल तो आप बता सकते हैं। ये कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप स्पेस एंड टेक को आप गहराई से स्टडी करेंगे तो ये आप जवाब दे पाएंगे। तो सवाल नंबर जो नेक्स्ट सवाल है इसका आंसर आप मुझे दे दीजिए। UHF की तरंगे अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। अच्छा बेटा, मैं चाहता हूं कि टैक आपको, स्पेस एंड टैक आपको जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपको IC वगैरह है, ये सारी सारी चीजें मैं आपको डिटेल के अंदर कराऊं, एंड देन उसके बाद में आपका ये पेपर एनालिसिस में स्पेस एंड टैक में डाल दूंगा सारे सवाल,
ठीक है, उस दौरान जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें ये सारे सवाल उसमें डाल दूंगा, 2016 के, 2013 के जो पेपर वापस हुआ था उसके भी, और 2018 के भी। तो जितने भी टैक वाले सवाल है वो सारे के सारे, करंट अफेयर्स वाले नहीं लेकिन जो बाकी के टैक वाले सवाल है वो सारे के सारे सवाल मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, कोमल, कबीर, रेखा, राजेश, अजय, सुरेश जी, ओके। कोई भी जवाब, नहीं पता। अच्छा, पोल वाला सिस्टम होता। कोमल एक बार और सोच लो। ठीक है, चलो, किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। बेटा आंसर है कि ब्लूटूथ यूज 2.4 GHz, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड, एंड वेयर एज वाईफाई कैन यूज 2.4 और 5 GHz फ्रिक्वेंसी बैंड। तो जो ब्लूटूथ है वो 2.4 GHz रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, और जबकि आपका वाईफाई जो है 2.4 या 5 GHz फ्रिक्वेंसी बैंड के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो जब आप स्पेस एंड टेक पढ़ते हो तो स्पेस एंड टेक के अंदर आपको ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह पढ़ाया जाता है, इंफ्रारेड भी पढ़ाया जाएगा, इनकी रेंज भी बढ़ाई जाएगी आपको। ब्लूटूथ के बारे में इसकी रेंज भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी रेंज होती है। जैसे आपने आपने देखा होगा ना ईयरफोन्स वगैरह में, अगर आप वन प्लस के या फिर किसी के भी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन यूज करते हो तो उसमें एक रेंज बताई जाती है कि सर ये 10 मीटर तक कनेक्ट हो सकता है। वाईफाई की रेंज होती है, जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वाईफाई की भी तो एक रेंज होती है, तो वाईफाई में क्या रेंज नहीं होती है क्या? तो आपने ऐसा कैसा मान लिया कि सी आंसर दे दिया कि दोनों उपकरणों का एक दूसरे से दृष्टि रेखा में होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, क्यों इनकी रेंज नहीं होती क्या? वाईफाई और दोनों, इनकी क्या है, एक रेंज, पर्टिकुलर एक बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर जाने के बाद आप वाईफाई की रेंज में नहीं है, है ना? नहीं है ना, बिल्कुल। तो कैसे मान लिया आपने सी? तो आंसर आपका क्या रहेगा? ए रहेगा बेटा। तो ये जो है स्पेस एंड टेक वाले सवाल, मैं भी आपको समझा भी दूंगा तो आपको ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मैटर आपको पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, और बाकी जो साइंस वाला पार्ट है, साइंस वाले पार्ट के अंदर आप आराम से कर सकते हो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नेक्स्ट, ये आपका डेटाबेसिस है तो डेटाबेसिस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जितने भी नाम है इनको नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। विक्रम से आपको प्रॉपर पेयर करना है, कौन सा पेयर यहां पर आपको सही नजर आ रहा है? विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम केरला में है, यू आर राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है, या नेशनल रिमोट सेंसिसिंग सेंटर NRSC देहरादून में है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिसिंग IIRS हैदराबाद तेलंगाना में है। तो कौन सा यहाँ पर सही है वो विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है, और विकल्प आराम से चुनकर आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है और चारों के बारे में बता दूंगा। कबीर कह रहे हैं कि सर चारों सही है, ओके, और कोई जवाब है? कोमल कह रहे हैं ओनली ए एंड ओनली बी। अच्छा, चलो कोमल, मैंने मान लिया ओनली ए एंड ओनली बी, तो मुझे ये बताओ फिर ये दोनों गलत क्यों है, सी और डी गलत क्यों है, मुझे तो ये बता दो अगर आपने सही जवाब दिया है। ITBP देहरादून माय रिलेटिव जो बैट। अच्छा, डीसी जाट, आंसर है बी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन दे दो जरा, मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है आपका जवाब ठीक है। कोमल, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे किस बेसिस पर आपने आंसर दिया है, आंसर किस बेसिस पर दिया है, या कुछ टीपा टापी की आपने? डीसी जाट कह रहे हैं सर बी आंसर है, ओके। चलो मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट। देखो बेटा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप सभी को पता है, विक्रम साराभाई सेंटर ये बहुत फेमस सेंटर है, आपको पता है त्रिवेंद्रम के अंदर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, श्री हरिकोटा भी आपने नाम सुना होगा, नाम सुना ना आपने? तो विक्रम साराभाई जो सेंटर है वो त्रिवेंद्रम के अंदर है, ठीक है। और यू आर राव सेटेलाइट सेंटर जो है, सेटेलाइट सेंटर जो URSC के नाम से फेमस है और ये VSSC के नाम से फेमस है, ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, क्लियर है बेटा।
लेकिन इधर का मामला थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया गया है। नेशनल NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है बेटा, वो देहरादून में नहीं है, वो हैदराबाद में है। वो कहां पर हैदराबाद में हैदराबाद के अंदर है, क्लियर है, जबकि यहां पर लिखा हुआ देहरादून। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRSE, ये आपका उत्तराखंड के अंदर उपस्थित है, जो कि आपका यहां पर आपका लिखा हैदराबाद। अगर यहां पर हैदराबाद ऊपर होता और देहरादून नीचे होता तो ये दोनों आंसर सही हो जाते। इन दोनों के इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है RPSC ने, बड़ी खूबसूरती के साथ में, आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट, ये बिल्कुल डेटा बेसिस क्वेश्चन था यार, आपको ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं एक जगह पर लिख कर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। IUCN से लेकर IUPSC तक, WHO से लेकर और सारे VSSSC तक, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन मैं एक जगह आपको एक ही PPT या एक ही PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेस से रिलेटेड है, परमाणु से रिलेटेड है, न्यूक्लियर जितने भी आपके ये सेंटर्स हैं, ये जितने भी हैं, और जैसे हरिकोटा वगैरह, ये A to Z आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। एक सवाल पक्का इनसे पूछा जाता है, स्पेस एंड टेक में एक सवाल पड़ जाता है। देखो जैसे 2018 में पढ़ा, 2016 में भी पढ़ा, 2013 में भी पढ़ा, और 2021 में पढ़ने के भरपूर चांसेस है। तो मैं एक जगह आपको लिख कर ये प्रोवाइड करवा दूंगा, इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। नोट्स के अंदर लिखवा दिया जाएगा आपको A to Z, आपको फुल फॉर्म भी बता दी जाएगी, इनका हिंदी अर्थ भी बता दिया जाएगा, इनका अंग्रेजी भी बता दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बस आपको क्लास में बने रहना है। टोटल सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पर जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये तो है हैदराबाद में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो है आपका देहरादून उत्तराखंड के अंदर। चलो आंसर हो गया आपका पहला सवाल। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली हर्बल प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो DRDO, नाम सुना होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से नाम सुना होगा DRDO को आपने, DRDO के बारे में, DRDO के काम, DRDO क्यों यहां पर हमारे इंडिया में क्या क्या काम करता है, इसके बारे में पूरा का पूरा मुद्दा हमारे पास में आएगा टैग के अंदर, स्पेस एंड टैग के अंदर, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ जो है, पॉलीहर्बल उत्पाद जो है, वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित नहीं किया है, तो आपको जल्दी से बताना है। एम टूथ है, ल्यूकोस्किन है, नॉकडोरना है या एग्जिट है, कौन सा पदार्थ जो है यहां पर इनके द्वारा विकसित नहीं किया गया है। सर IIRS कहां पर बताया बेटा, IIMS, ये मैं कह रहा हूं, देखो ये नीचे IRS है, ये देहरादून के अंदर आएगा, देखो ये तो देहरादून में है और ये तेलंगाना में, ये उल्टा इन्होंने बता दिया है, क्लियर है, उल्टा बता दिया, ऊपर नीचे कर देना दोनों को, इट्स ओके जाट साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत हो गया, इसीलिए तो हम यहां पर बैठे हैं ना, सही करने के लिए तो बैठे हैं अपन यहां पर, ठीक है। ये DRDO में उत्पाद जो बनाए गए हैं, इन उत्पादों के बारे में हम चर्चा करेंगे, एम टूथ के बारे में भी चर्चा करेंगे, ल्यूकोस्किन के बारे में भी चर्चा करेंगे। नॉकडुरना जो नाम है यहाँ पर, आपको नॉकडुरना जो नाम दिया गया है, ये यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया है DRDO द्वारा। नॉकडुरना जो है वो रात को जो अंधापन होता है ना, नॉकडुरना नाइट विजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नॉकडुरना आप जैसे नॉक्चुरल नाम सुनते हैं, नॉक्चुरल, ठीक है, मतलब बता रात्रि का, रात्रि से रिलेटेड, जैसे आपके उल्लू है, हम बोलते हैं ना नॉक्चुरनल है यार, तो नॉक्चुरनल एनिमल, जैसे आपका जो एक ये ना बैट जो है, चमगादड़ जो है, ये नॉक्चुरनल है, तो रात्रि के विजन से रिलेटेड है नॉकडुरना, ठीक है। ये एक पॉली हर्बल उत्पाद है जो कि DRDO के द्वारा विकसित नहीं किया गया है, ठीक है बेटा। सवाल नंबर, ये थोड़ा सा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो आज आपको ये याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खैर वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप 2018 के पेपर की बात कर रहे थे, उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये बड़ी मतलब बहुत ज्यादा रहा था आपके न्यूज के अंदर भी, अगर आपने पढ़ा हो तो, बड़ा उस दिन बहुत सारे इंडियंस को बड़ा प्राउड फील हो रहा था। याद है कुछ आपको, याद है क्या कुछ आपको, पहले के टाइम पे हमने बहुत लेट स्टार्ट किया। देखो हमारा जो इतिहास है स्पेस के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में, मैं आपको एक पूरी स्टोरी लाइन समझाऊंगा, ऐसा रटवाऊंगा नहीं, ऐसा पूरी स्टोरी लाइन आपको समझाऊंगा। हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 से 50 के बीच में, हमने मतलब कुछ भी, कोई भी कदम नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं बढ़ाया,
वहां से लेकर और 60 के दशक तक, फिर उसके बाद 80 के दशक तक, फिर उसके बाद 90 के दशक तक, फिर उसके बाद 2000, और उसके बाद 2010 और 2020, इस तरीके से टाइम स्लोट हम बांट लेंगे। और उसमें आपको एक स्टोरी लाइन आपको समझाऊंगा, स्टोरी लाइन आपको पूरी की पूरी समझा दी जाएगी। स्पेस के मामले में हमने कहां कैसे तरक्की की, कौन कौन से बहुत अच्छे नाम जो है वो स्पेस के अंदर हमने, मतलब जिन्होंने हमको योगदान दिया है, ठीक है, स्पेस के मतलब अंतरिक्षीय क्षेत्र में हमने कौन कौन सी संगठन हमारे यहाँ पर बनाए गए, और उन संगठन का जो है उद्भव कब हुआ, ओरिजिन कब हुआ, कब उनका नाम बदल दिया गया, ये सब चीजें हम, तो 2015 फरवरी 2017 को एक ऐसा दिन था जब हमको मतलब एक इंडियन होने पर प्राउड फील हो रहा था उस दिन। बहुत सारे लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ते थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो देखो नहीं पता होगा, मेन प्रश्न जो है पूरा इसी से भरा हुआ था आपका। तो हाउ मेनी सैटेलाइट वर लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय PSLV C-37 इन ए सिंगल फ्लाइट ऑन 15 फरवरी 2017। PSLV C-37 37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए, सवाल आपका ये है, आंसर आपको देना है। डीसी जाट, ओके, केडी कह रहे कि सर पहले के टाइम पर हम पता है रशिया में जाते थे कि सर हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती करते थे। आज के टाइम पर हमने देसी तकनीक बना ली जिसके थ्रू रशिया अमेरिका हमारे यहां पर आता है कि भैया इतने से पैसे में आप कैसे लॉन्च कर लेते हैं, भैया इतना पैसा तो हम हॉलीवुड मूवीज में लगा लेते हैं यार, इतना पैसा तो हम हॉलीवुड मूवीज में लगा लेते हैं जितने में आपने तो सारे के सारे लॉन्च कर दिए, समझ पा रहे हो। 104 यार मायने रखता है, इतना मायने रखता है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सस्ता जुगाड़ निकाल लिया, मतलब कतई जुगाड़ निकाला यार इंडिया ने, 104 उपग्रह एक फ्लाइट के अंदर हमने छोड़ दिए और सक्सेसफुली छोड़े थे उस दिन, मतलब प्रूव कर दिया था इंडियंस ने कि सच में जुगाड़ी होते हैं इंडियंस, ठीक है। उसके बाद से रशिया, चाइना, चाइना का तो खैर हमारा रिश्ता कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, चाइना, अमेरिका और कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ पर किराए से हम उनके उपग्रह लॉन्च करते हैं। किसी जमाने में इंडिया उनके पास गया था कि हमारा लॉन्च कर दो, हमारे पास लॉन्च पैड नहीं है, हमारे पास ऐसी जगह ऐसी टेक्निक नहीं है, उसके बाद हमने खुद अपनी तकनीक को इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने के बाद आज ये काम हो रहा है कि अमेरिका और रशिया खुद यहां पर आकर, ऐसा कुछ नहीं कि उनके पास टेक्निक्स नहीं है, उनकी टेक्निक्स काफी महंगी है, ठीक है, उनकी जो टेक्निक्स है तकनीकी काफी महंगी है, उनसे आधे पैसों में अपन ने यहां से 104 जो है वो उपग्रह सफलतापूर्वक यहां से प्रमोचित कर दिए, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण दिन था आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पूरे भारत देश के लिए। क्रायोजेनिक इंजन सर, बिल्कुल केडी, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका। लोगो क्रिएटर वर्ल्ड और हमारे कितने थे सर, बिल्कुल बिल्कुल जुगाड़ कूट कूट कर भरा है राजेश जी, बिल्कुल। सवाल नंबर जो नेक्स्ट है, ए पार्टिकल हैविंग एटलीस्ट वन डायमेंशन लेस देन 10^-7 मीटर इज नोन एज, यार आपको अगर बेसिक साइंस आती है ना, बेसिक साइंस आती है, मैंने एक क्लास ली थी आपकी, उस क्लास के अंदर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो ये सवाल बिल्कुल इजी था, कते इजी, फर्जी सवाल है ये, मान लो आप इस सवाल को, एक मिनट आप मुझे आंसर बताएं। ओके ओके, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है यार, वेरी सिंपल। मैं आपके सामने रख देता हूं, मैं आपके सामने रख देता हूं, देखो मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर कुछ नॉलेज आपको देना चाह रहा हूं, अगर आपको इन चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है इन चीजों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिक चीजें होती है, ठीक है। लेकिन आज के बाद आपको ना ऐसे सवालों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं। देखो आपको 10^-3 और 10^-3 और +3 पता है क्या होता है, आप मुझे जवाब देंगे एंड देन फिर उसके बाद में, 10^-3 को क्या कहा जाता है, 10^+3 को क्या कहा जाता है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, जितने भी इंजीनियर्स यहां पर बैठे हैं, जितने भी डॉक्टर्स यहां पर बैठे हैं, जितने भी टीचर्स यहां पर बैठे हैं, सब आराम से जवाब दे सकते हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं सब आराम से जवाब दे सकते हैं। दूसरा जवाब आपका है, पहले इसी का दे दीजिए आप पहले, एंड देन उसके बाद आप खुद देख लेना कि सवाल का जवाब क्या है। 10^-3 को क्या लिखते हैं बच्चा, 10^-3 को, ये इसका ना रांदी काट देते हैं, हमारे मारवाड़ी बोलते हैं रांदी काट दो,
नैनो। अच्छा टेडी कह रहे सर मिली बोलते 10 पे घात। वेरी गुड। देखो बेटा 10 पे घात -3 को बोलते हो आप मिली, ठीक है, और 10 पे घात +3 को आप कहते हो बेटा किलो। यार किलो के अंदर कितनी जीरो होती है? 1, 2, 3 होती है ना, 1000 ग्राम होते हैं ना ऐसा, तो आप क्या कहते हो उसको? किलो कहते हो। दूसरी बात मैं लिख देता हूं, 10 पे घात -6 और 10 पे घात +6। 10 पे घात -6 को क्या कहते हो बेटा? माइक्रो कहते हो। क्या कहते हो बेटा? माइक्रो कहते हो। और जबकि बात 10 पे घात +6 को आप क्या कहते हो बेटा? इसको कहा जाता है मेगा। क्या कहते हो आप इसको? मेगा, है ना, मेगा कहते हो आप इसको, समझ में आया? मेगा। अच्छा 10 पे घात -9 को क्या कहते हो? 10 पे घात -9 को कहा जाता है बेटा नैनो, 9-4 नैनो, 9-4 नैनो, इस तरीके से याद रख सकते हो आप, ठीक है, 10 पे घात -9 नैनो। अच्छा 10 पे घात -10 को क्या कहते हो? अरे 10 पे घात -10 को कहा जाता है एंगस्ट्रॉम। इसके ऊपर ऐसे बिंदी लगा देते हो ना, ए के ऊपर, उसको एंगस्ट्रॉम कहते हो आप। 10 पे घात -10 को क्या कहोगे? एंगस्ट्रॉम कहोगे। अच्छा नेक्स्ट आता है 10 पे घात -12। 10 पे घात -12 को कहा जाता है मेरे लाल पीको। क्या कहा जाता है? पीको। एंड देन 10 पे घात आता है +12। क्या आता है? 10 पे घात +12। +12 को क्या कहोगे बेटा? 10 पे घात +12 को आपने नाम सुना होगा, बहुत बहुत ज्यादा नाम सुना होगा आपने। कभी भी नाम सुना है? GB TB। यार इतने GB की हार्ड डिस्क है, इतने TB की हार्ड डिस्क है, तो है तो नाम इसका 12, लेकिन है तो नाम इसका 13। 13 या 13, आप कुछ भी कह दीजिए। टेराबाइट नाम सुना होगा आपने, TB टेराबाइट नाम सुना है? तो देखो है तो ये 12, लेकिन नाम नीचे लिखा है 13, ऐसा मान लीजिए, इस तरीके से याद कर लीजिए। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, नीचे लिखा है 13, ऊपर लिखा है 12, तो है तो ये 13 13, लेकिन मैं 13, तैसे तबातर तैसे ठठेरा, मतलब जो भी है 13, ठीक है, तलवार वाला है, इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है 10 पे घात -, 10 पे घात -, नहीं ओनली ++9। इसको क्या कहते हो? -9 को क्या कहते थे? नैनो कहते थे। और यहां पर आप कह सकते हो गीगा। क्या कहते हो? गीगा, जिसको आप बोलते ना गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसा नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे से सुना होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि हमने सवाल क्या पूछा था आपसे? 10 पे घात -7 का पूछा था, तो -7 से कम का, तो बेटा ये बताओ, ये वाला कम है ज्यादा है? और कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब बताओ कौन सा वाला है यहां पर? आपने कहा कि सर 10 पे घात -7 से कम का कौन सा है यहां पर? माइक्रो का मतलब, माइक्रो का मतलब क्या है? ये रहा माइक्रो, 10 पे घात -6। तो सर ये 10 पे घात -7 से कम है क्या? भैया माइनस में घात जो होती है वो ज्यादा कम होती है, कम ज्यादा होती है, मतलब 10 पे घात -6 जो है वो 10 पे घात -7 से ज्यादा है। क्लियर है बेटा, समझ में आया? 10 पे घात -3 ज्यादा है, 10 पे घात +3 तो ज्यादा है ही। तो हम कहें कि जितनी घात बढ़ती जाएगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो नैनो, मिली का मतलब क्या होता है? 10 पे घात -3 होता है। नैनो का मतलब 10 पे घात -9 होता है। और मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है 10 पे घात 6, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को, तो आप कहोगे नैनो जो है वो 10 पे घात -9 है, जो कि कम है किसपे? 10 पे घात -7 से। तो 10 पे घात -9 कम होती है 10 पे घात -7 से, तो आपका आंसर रहेगा नैनो। तो ये अब कंफ्यूजन आपको जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहिए। नोट कर लो, अगर आपने नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है। सवाल नंबर जो नेक्स्ट है, ये सवाल मैंने मेरी क्लास के अंदर नोट्स में करवाया, स्पेशल क्लास में, जब मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। बहुत सारे बच्चों को इसमें सिर्फ एक लास्ट का आंसर नहीं पता होता है, स्टीविया, स्टीविया उन्होंने नाम नहीं सुना होता है। लेकिन ऐसे सवालों को हल करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, पहले आप आंसर दे दो एंड देन मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। आंसर दे दो एंड फिर ट्रिक बताई जाएगी आपको। ऐसे मैच करने वाले सवालों को आपको आंसर की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि बहुत हद तक वो ट्रिक लागू हो जाती है, बहुत हद तक वो ट्रिक लागू हो जाती है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में है क्या सर? बिल्कुल बच्चा, 100 एंड 101%। ये कोमल, मैंने आपको ये पढ़ाया है, हाँ या ना कोमल? ये क्लास में बताओ हुआ है? कोमल मेरी रेगुलर स्टूडेंट है, इसलिए कोमल से पूछ रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर कोमल रेगुलर नहीं है।
देखो यहाँ पर ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल मेरे नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा, और मैंने मेरे नोट्स में से उठाया है, एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में से एज इट इज एनसीईआरटी में उठाया है बेटा। अभी तक जितने भी सवाल आए हैं ना टैग को छोड़कर, मैक्सिमम एनसीईआरटी से, मैक्सिमम एनसीईआरटी से है, ठीक है। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी की सीरीज चलाई है बच्चा, यहां पर कुछ सोचकर मैं इतना टाइम दे रहा हूं एनसीईआरटी पे, नहीं तो थोड़ा वो कॉमन सेंस है यार मेरे अंदर भी कि मैं इतना इतना एनसीईआरटी को इतना खींचने की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने एनसीईआरटी के 150 वीडियो डाल चुका हूँ और आगे 150 वीडियो शायद और आ जाएंगे, इतना इतना सारा जो मैटर है मेरे एनसीईआरटी में। लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ आपको कोई भी अदर बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैंने एनसीईआरटी को इतना इलेबरेट कर दिया आपके सामने, एनसीईआरटी के नोट्स को इतना, कुछ लोग समराइज करते हैं, मैंने इलेबरेट किया है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। साइंस एंड टेक की तो पढ़नी पड़ेगी, वो तो अलग है, वो मैं नोट्स करवा दूंगा, लेकिन आपको अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है ना तो आपको कहीं और किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरिहंत वरिहंत कोई किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दृष्टि की किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये, ठीक है। तो जवाब आपने दे दिया है, लोधी कह रहे हैं कि सर सी, और डी सी जाट कह रहे हैं सर ए, कोमल कह रहे हैं सी, सॉरी सर सी होगा। अब देखो मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, इस सवाल को हल करने की ट्रिक, मतलब इस सवाल को नहीं, इस टाइप के सवाल को हल करने की ट्रिक, क्योंकि एक दो सवाल आपको मैथ्स कॉलम वाले मिल ही जाते हैं ना, मैथ्स कॉलम, ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखो सवाल को हल करने का पहला स्टेप, ये है कि आप ए बी सी डी ई इनमें से सबसे बेहतरीन तरीके से जिस पर आप कॉन्फिडेंट है वो आप देख लो। सबसे सिंपल आपको पता है सी है, पूरी दुनिया में गंवार से गंवार आदमी को भी पता होता है मिल्क शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज होती है नहीं होती है, ठीक है। पहला सबसे सिंपल और जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो चीज देख लो। मैंने कहा, आपने कहा मिल्क शुगर, ट्रिक बता रहा हूं आपको, ट्रिक इसको आप मैच कर दो किससे, आपको पता है लैक्टोज होती है, क्लियर है, बिल्कुल सबसे सिंपल है। अब आंसर में ढूंढो कि डी सी का आंसर फिफ्थ है, सी का आंसर फिफ्थ, 1 2 3 4, देखो यहां पर इसमें भी फिफ्थ दे रखा है, इसमें भी फिफ्थ दे रखा है, इसमें भी फिफ्थ दे रखा है, बोलो हाँ या ना, दे रखा है क्या, इसमें फोर्थ में, सी में फोर्थ दे रखा है, क्या ये आंसर हो सकता है क्या। सर बोलोगे सर इसको तो आग बंद करके हटा दो, येल्लो हटा दिया, कि दो तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आपको चुनना किस में है, आपको चुनना है पहले में, दूसरे में, पहले में, तीसरे में और चौथे में, बोलो हाँ या ना। अब आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस जिस पे होगा, जैसे आपने लिखा टेबल शुगर, टेबल शुगर या ग्रेप शुगर या फ्रूट शुगर, टेबल शुगर आपने आपने कहा कि ई में तो सर मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं, मुझे पता है कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ठीक है। आपने कहा टेबल शुगर में सर मैं थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट हूँ, टेबल शुगर, टेबल शुगर हो सकता है सर सुक्रोज, इसका है ना सेकंड सुक्रोज, ये भी बहुत बच्चों को पता होता है मेनली। तो डी का आप सेकंड से, तो डी कहा है, डी का सेकंड से आप देखो, सेकंड कहां कहां पर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये क्या आपका ये वाला मैच हो रहा है क्या, क्या आपका ये वाला मैच हो रहा है क्या। अब ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है, मतलब आपका ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, गारंटी के साथ आपका जवाब है 3। अब बताओ आपको बाकी के पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, आपको आंसर आपका है 3। बोलो ये टिप, ये ट्रिक थोड़ी काम आने वाली है या नहीं आने वाली है, ऐसे सवालों में आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। बिल्कुल दो ऐसे पॉइंट देख लो, या चार या पांच ऑप्शन में से, तो दो तो आपको कम से कम आते होंगे, कम से कम आते होंगे, नहीं आते होंगे। अब आपको इस तरीके से ये आपको हल कर लेना है। आपको पूरे सवाल की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या बताओ, क्या आपको स्टीविया होने का पता, मतलब जरूरत पड़ी, क्या ग्रेप शुगर की जरूरत पड़ी, क्या फ्रूट की जरूरत पड़ी, सिर्फ दो पॉइंट पर आपने पूरा सवाल आपने हल कर लिया, क्लियर। इस तरीके से आप हल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हर तरीके से आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर करना पड़ेगा ये। इन ह्यूमंस ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जब मैंने आपको मानव रोग पढ़ाए थे, और मानव रोग में हालांकि स्पेशल पर मैंने शुरुआत में करवाया था, ये स्पेशल में शुरुआत पर कराया था, प्लस पे नहीं करवाया मैंने, स्पेशल में शुरुआत में करवाया था, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी और डायरेक्ट आपके नोट्स में अवेलेबल है ये, डायरेक्ट पिछला वाला सवाल भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, और ये वाला सवाल भी आपको नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा पूरा बेहतरीन तरीके से। इन ह्यूमंस ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रेस्पॉन्सिबल, मैंने आपको ये भी बताया कि ट्राइसोमी क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि 21 नंबर क्रोमोसोम के कारण
आपको कौन सी बीमारी होती है। तो जवाब आपको जल्दी से देना है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंने आपको क्लियर करवाया, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है। अब बताओ जल्दी से, डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है एज इट इज। देखो इतने सारे सवाल एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद भी नट्टो की तरह एनसीईआरटी के वीडियोस में नहीं आते हो, सच में मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि किसी चीज की वैल्यू नहीं है आपको। मतलब वही वाली बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिस दिन ये वीडियोस हट जाएंगे ना एनसीईआरटी के यहाँ से, आपको कोई भी किसी भी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी चैनल पर आपको एनसीईआरटी जो है इतनी डिटेल के अंदर नहीं मिलेगी। किसी भी चैनल पर नहीं थी इसीलिए मैंने डाली है, किसी भी चैनल पर नहीं थी इसीलिए, किसी भी टीचर ने नहीं डाली इसीलिए मैंने डाली थी कि बच्चों को काम आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में बच्चे कितने आते हैं, 4, 3, 2, कभी कभी तो सिर्फ एक बच्चा होता है। मुझे सच में इतना दुख होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मैं उसी शिद्दत से आपको एनसीईआरटी पढ़ाता रहूंगा। आई होप आपको बाद में इस चीज की वैल्यू पता चले, जब मैं शायद अनअकैडमी पे ना रहूं या किसी और कोचिंग सेंटर में चला जाऊं या कहीं और यूट्यूब चैनल में मेरा बंद कर दूं, उसके बाद आपको शायद उसके बाद पता चलेगा जब आप 2021 का एग्जाम दे चुके होंगे। इन ह्यूमन ट्राइसोमी, ठीक है, त्रिगुणिता, त्रिगुण सूत्र, त्रि सॉरी गुण सूत्रता जो है उत्तरदायी है किस बीमारी के लिए है, रट रखा होगा यार आपने तो। विकास कुमार मीणा, राज कोमल, स्माइली स्माइली। सर साइंस के लिए कहाँ तक पढ़ना है बेटा? साइंस के लिए आपको देखो 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ लेनी है कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ना आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा बेटा आपको पढ़ना है 11th और 12th में कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ सेलेक्टिव, पूरे नहीं पढ़ने हैं 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। तो आपको कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स है जो मैं आपको बता दूंगा कि ये सेलेक्टिव चैप्टर आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं। बाकी 6 से 10 तक का तो अगर आपने पूरा कंप्लीट किया ना तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आंसर किसी ने नहीं दिया है, कोमल चावल ने आंसर दिया है सिर्फ एक, और आंसर है सी, डाउन सिंड्रोम। बेटा एग्जैक्ट क्या होता है, जब आपके शरीर के अंदर जब आप भ्रूणावस्था में होते हो, ठीक है, ये बीमारी होने के चांसेस उन लेडीज में होते हैं, ठीक है, उन लेडीज में नहीं, उन लेडीज के बच्चों में होते हैं जो लेट डिलीवरी करवाते हैं। लेट डिलीवरी का मतलब है जो बच्चे, मान लीजिए कि बोला जाता है कि यार कोई भी काम अगर टाइम से हो जाए तो ठीक है, 30 की उम्र तक बच्चे हो गए या 40 की उम्र तक बच्चे हो गए, अच्छी बात है। जिन महिलाओं में 40 से ऊपर की तरफ अब वृद्धावस्था हो जाती है, यार 40 से ऊपर, आप मानो या मत मानो, आपकी बॉडी 40 के बाद ढलने लगेगी। आपकी बॉडी का पीक होता है 30-35, 30-35 तक स्ट्रांग रहती है, 30-35 के बाद ढलने लगती है बॉडी, मतलब बुढ़ापा आने लगता है। ये बात आप जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है, ठीक है। 40 की एज या 45 की एज पे जब कोई भी लड़की, या कोई भी लड़की नहीं, कोई भी औरत जो है बच्चा पैदा करना चाहती है, उसके अंदर ये कंडीशन डाउन, उसके बच्चे में, उसके अंदर नहीं, उसके बच्चे में ये कंडीशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 45 की एज के बाद सबके बच्चों में डाउन सिंड्रोम होगा, नहीं, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। होता क्या है, जब भी आपकी कोशिका में विभाजन हो रहा होता है तो विभाजन को क्या होगा, जैसे ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम, 4 क्रोमोजोम दिख रहे हैं। तो क्रोमोजोम कुछ होते किस तरीके के हैं, क्रोमोजोम होते हैं कुछ इस तरीके के हैं, मैं आपको बता देता हूं, क्रोमोजोम कुछ इस तरीके से होते हैं ऐसे, ठीक है बेटा, ये क्रोमोजोम है ना, ये क्रोमोजोम का ऐसे जोड़ा बना रहा हूं मैं यहां पर, क्लियर है। अभी क्या होता है बेटा, ये क्रोमोसोम इनका विभाजन होता है, मैं बताऊंगा क्रोमोसोम का क्या आगे, जैसे जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स के अंदर जो गुणसूत्र वगैरह के बारे में बताऊंगा, तो बीच में से ये आधा आधा गुणसूत्र आगे आगे जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये गुणसूत्र आधा नहीं हो पाता, आधा नहीं हो पाता, ये साथ में के साथ में चला गया, तो ये विभक्त हुआ, ये एक इस तरीके से विभक्त हुआ, ये आधा विभक्त हो गया, ये भी विभक्त हो गया, और ये भी विभक्त हो गया, ये बीच में से टूट गया ऐसा मान लो। तो ये इस कंडीशन में आएंगे, ये इस कंडीशन में, लेकिन कभी कभी जैसे ये गुणसूत्र है, ये होना तो ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही आगे चला गया, डायरेक्ट जुड़ा हुआ ही आगे चला गया। तो जुड़ा हुआ आगे चला गया तो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा चला गया, बोलो हाँ या ना। गुणसूत्र कितने होने चाहिए थे बाबू, 46 होने चाहिए थे, 46 जाने चाहिए थे, लेकिन 46 नहीं गए, उनमें से एक गुणसूत्र ये आधा बीच में से टूटकर ये ही जाना चाहिए था, इधर से यही जाना चाहिए था, ठीक है, एक ये जाना चाहिए था, एक ये जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों जुड़े के जुड़े ही चले गए आगे, तो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा चला गया, और वो कौन सा गुणसूत्र था, वो 21,
मतलब 21वां गुणसूत्र था। तो 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणसूत्रता की स्थिति आ जाती है, ट्राइसोमी की कंडीशन आ जाती है, होने चाहिए थे 46 और हो गए 47। इस कंडीशन के अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है? डाउन सिंड्रोम हो जाती है। और ये डिटेल में मैं आपको जेनेटिक्स के अंदर पढ़ाऊंगा, जब मैं जेनेटिक डिजीज आपको पढ़ाऊंगा। 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, साथ में चिपकाओ, उनका विभाजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, जुड़ के साथ में चला गया है। क्लियर है? इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम कहते हो। और इस बीमारी को क्या कह सकते हैं? मंगोलिज्म। ठीक है, मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्लियर है? डाउन सिंड्रोम को, ठीक है, तो मंगोलिज्म, इडियसी भी कहा जाता है इसको, इडियट कहते हैं इसको। ठीक है, ये मंदबुद्धि होता है, जो बालक पैदा होता है मंदबुद्धि, मेंटली रिटार्ड होता है, इनके जननांग भी पूरे तरीके से विकसित नहीं होते हैं ना। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को जिनकी जीभ बाहर निकली रहती है, गर्दन टेढ़ी होती है, हाथ के अंदर ये ताल जो है तालू से यहाँ से लार बहती रहती है, कुछ देखा ना बच्चों, मंदबुद्धि बच्चों को गर्दन टेढ़ी रहती है इस तरीके से, एंड देन लार गिरती रहती है, बोलना भी ढंग से नहीं आता है, मंदबुद्धि होते हैं। आपने आपके जीवन में पक्का देखा होगा ऐसा कोई ना कोई मरीज, वो होते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम। आप बोलते हैं मंदबुद्धि है ये, तो उस तरीके से वो होते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, किस कारण हुआ? 21वें गुणसूत्रों में त्रिगुणसूत्रता या ट्राइसोमी हो गई, एक गुणसूत्र चिपक कर ज्यादा चला गया। सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि डाउन सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे डाउन सिंड्रोम में 46 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी हो गई? 47 हो गई, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे सकता। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रेफर टू एज। आपने कहा मैं कोई भी गतिविधि कर रहा हूं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, अभी बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये, न्यूज़पेपर में अगर आर्टिकल्स पढ़ते हो, ये सब कुछ पढ़ते हो, तो आपको पक्का ये सवाल अच्छे से आता होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, अभी आपने रिसेंट पढ़ा होगा कि चाइना चाइना ये क्या काम कर रहा है, अमेरिका कितना कर रहा है, भारत कितना कर रहा है, ये सिटी कितना कर रही है। ठीक है, अभी क्या कर रही है वो मैं आपको जवाब के बाद में बताऊंगा, पहले जवाब दीजिए इसका, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। जल्दी से हिमराज कह रहे हैं कि सर प्लीज बताइए आरएएस की न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है, प्रीलिम्स एग्जाम कब तक हो सकता है? बेटा प्रीलिम्स एग्जाम कब तक हो सकता है ये तो परमात्मा को भी नहीं पता, आरपीएससी के अलावा। ठीक है, और जो वैकेंसीज आने का संभावना है जनवरी के अंदर, ठीक है, जनवरी में, अभी बाकी न्यूज तो यही आई है, और फिर से अगर ये बदल दें, जैसे अभी दिसंबर में ये इनको कैंसिल कर दिए इन्होंने इंटरव्यू, अगर ऐसे वापस कैंसिल कर दे तो देखो कुछ नहीं कह सकते आरपीएससी का, लेकिन जो चांसेस है वो जनवरी तक आने के हैं वैकेंसीज, और वैकेंसीज आने के, अब देख लो, अब हमेशा वैकेंसी आने के बाद में आपका प्रीलिम्स कितने दिनों बाद होता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रीलिम्स कब होगा, लेकिन वैकेंसीज आने का जो है वो जनवरी के अंदर आने का था अभी तक, तो बाकी अगर कैंसिल कर देते हैं तो फिर बल्ले बल्ले ही। ठीक है हेमराज जी, लोधी राज, राज बेटा जवाब एक बार और सोच लो, डीसी डीसी अवंती। रेखा का आंसर भी आ गया है, ओके। राजेश कह रहे हैं सर डबल वैकेंसी आएगी सुनने में, बेटा मैंने तो ऐसा नहीं सुना डबल वैकेंसीज आएगी, बस ऐसा सुना है वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है बस, अभी डबल आएगी या ट्रिपल आएगी आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना सुना है कि वैकेंसीज इंक्रीज होकर आएगी, अब कितनी इंक्रीज होकर आएगी ये नहीं पता है राजेश। ठीक है, इंक्रीज होकर आएगी ये न्यूज़पेपर में भी आया ये तो, लेकिन कितनी होकर आएगी ये नहीं पता है। तो जवाब दे दिया है, डीसी ने भी दे दिया है, कोमल ने भी आंसर दे दिया है, और राज ने भी आंसर दे दिया है, रेखा ने भी आंसर दे दिया है, और कोई जवाब देना चाहता है भैया कोई भी? चलो मैं बता देता हूं बेटा, देखो एक इंसान, मैं एक सिटी आपकी जयपुर सिटी, एक स्टेट राजस्थान स्टेट, एक कंट्री इंडिया या पूरा वर्ल्ड, ठीक है, पूरा वर्ल्ड या एक कंट्री या एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी या एक पर्टिकुलर ह्यूमन, अपने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कर्म कांडों से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहला नंबर किसका आता है? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, तो मैं क्या नाम लूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, दिन से लेकर रात तक
मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें मैं कितना एमिशन कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या कहलाता है? कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो मैं पूरे दिन में कितना या पूरे साल भर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता हूं, चाहे मैं नाकों से कर रहा हूं, चाहे मैं सुट्टा मार कर रहा हूं, चाहे मैं मेरी गाड़ी चलाकर कर रहा हूं, चाहे मैं खाना खाकर कर रहा हूं, कुछ भी करके ओवरऑल मैं साल भर में कितना कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दूं। ये सिटी कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे, ये कंट्री कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे। तो अभी बोल रहा था ना कि चाइना का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इतना है पर ईयर, इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहा है, अमेरिका इतना निकाल रहा है, कार्बन उत्सर्जन इसका सबसे ज्यादा है। बोला था नहीं बोला था? न्यूज़पेपर में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अगर करंट अफेयर्स को और आपके सिलेबस को रिलेट करते तो ये आंसर आप आराम से दे सकते थे। क्लियर है? तो ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता ही नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है तो आप ये जवाब नहीं दे सकते थे। तो ग्रीन हाउस गैसेस में प्राइमरी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है लल्ला। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जितना भी उत्सर्जन अगर कोई कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया इसका? समझ में आया इसका? समझ में आ गया बच्चा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ या ना तो कह दो कम से कम। सर सिलेबस चेंज होगा क्या? बेटा कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नॉर्मल एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, वही है, ऑलमोस्ट वही रहेगा। मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, चेंज वेंज होने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्या बदलाव आएगा? साइंस भी वही है, एक दो टॉपिक अगर एक्स्ट्रा डाल दिए तो एक्स्ट्रा, कम कर दिए तो कम कर दिए, बस ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी वही कुछ है, ठीक है? सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ, पेज नंबर तक बता सकता हूँ इस सवाल का मैं एनसीईआरटी में। और बोलो इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, पूरी एक केस स्टडी करवाई थी इसके ऊपर मैंने, एनसीईआरटी में केस स्टडी भी करवाई है सवाल पर। बोलो जिसने मेरी एनसीईआरटी पढ़ी है ईमानदारी से वो सवाल का जवाब दे सकता है नहीं दे सकता? किस किसने पढ़ा है चैप्टर मुझसे? विच अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? डायरेक्ट एनसीईआरटी में, 8th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी है। कहाँ कहाँ लोगे यार, और बताओ मुझे। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो। प्रवीण जांगिड़ नमस्कार, आपका जवाब ओके। गेट में भी आया हुआ है, देख लो ये लोग प्रवीण आंसर दे रहा है। ओके okay. सभी का आंसर बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, धुआंधार, जबरदस्त। कोमल, वेरी गुड। मुझे लगता है इस क्लास में सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स हुआ है और मेंस का मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मेंस का मुझे करवाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर में हम प्रीलिम्स का कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंस का कर लेंगे, ठीक है? मेंस वाला कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेंस का करवा दूंगा, परसों में क्लास ले लूंगा, परसों, कल तो अपनी एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, परसों एक लेक्चर और ले लेंगे जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग करवा दूंगा कि कैसे कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी थी। देखो पूरे साजो सामान के साथ तो आज भी मैं आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा तैयारी वैयारी करनी है, इस चक्कर में इस क्लास को मैं मतलब प्रीलिम्स पर ही खत्म कर दूंगा। मेंस वाला जो मुद्दा है, मेंस वाला मुद्दा नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे, ठीक है? आंसर आपको, बेटा मैंने आपसे कहा था जब भी आप ज्यादा पोल्यूशन करते हो, ज्यादा पोल्यूशन करते टाइम पे आपके जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स जो आपने देखा है ना, व्हीकल्स के अंदर आप निकालते हो SO2, ठीक है, और निकालते हो N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या निकालते हो बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों जल वाष्प, हवा में जो जल वाष्प है उससे रिएक्शन करके आपका नाइट्रोजन वाला और सल्फर वाला जो मुद्दा है ये तो बना लेता है HNO3, जिसको आप नाइट्रिक एसिड कहते हो, और सल्फर वाला मुद्दा SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बना लेता है H2SO4। और ये पानी के साथ धरती के ऊपर आती है, पानी के साथ धरती पर आएंगी तो ये एसिड रेन कहलाती है, जिसकी पीएच मतलब 3.5 से 5.5 तक हो सकती है। क्लियर है? मेनली एवरेज एवरेज जो है लगभग 5.5, 4.5 से 5.5 मानी जाती है एवरेज इसकी, ठीक है? किसी किसी कंडीशन के अंदर आपको 3 भी मिल जाएगा किताबों के अंदर, लेकिन देखो 3 सही नहीं है, मैं मानू किताबों में लिखा हो इसलिए आपके सामने बोल दिया, लेकिन वो बिल्कुल संपूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। तो अगर आप इसकी पीएच की बात करते हो तो 4.5 से 5.5 तक इसकी पीएच हो सकती है, किसी भी मार्बल के
या किसी भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक जो आपके जितने भी बिल्डिंग्स हैं जो ऊपर जब गिरता है एसिड रेन, तो ये पत्थर का संक्षारण करता है, पत्थर का कैंसर भी इसको कहते हैं, मार्बल का कैंसर भी इसको कहते हैं। इसी के कारण हमारा आगरा का ताजमहल, जो हमारे प्यार की निशानी है, जो आपने आप कभी ना कभी आपके प्यार को गिफ्ट किया होगा, छोटा वाला ताजमहल भैया, वो पीला होता जा रहा है, समझ पा रहे हो, उस पे पीलापन आता जा रहा है, खूबसूरती बिगड़ती जा रही है भैया उसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा कम गैस निकालिए यार, ठीक है, आपके व्हीकल वगैरह यूज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो यार, बाकी सारी चीजें यूज करो, ठीक है, थोड़े से जागरूक बनो। तो ये है एसिड रेन का मुद्दा, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने बता दिया। और इन दोनों का रेशियो 30 और 70 का रेशियो रहता है, SO2 और NO2 का, ठीक है, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड का जो आपका मुद्दा रहता है वो 30 और 70 का परसेंटेज रहता है दोनों का, क्लियर है बेटा। इसके अंदर एक गैस और होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगी, और उसमें आपका एसिड बनता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कौन सा बनता है बेटा, आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको आपके नॉलेज के हिसाब से बता देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, जो H2O के साथ में रिएक्शन करके H2CO3, जिसको आप क्या कहते हो, कार्बोनिक एसिड कहते हो, कार्बोलिक नहीं, कार्बोनिक एसिड कहते हो, क्लियर बेटा। ये भी आपको एसिड रेन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी कर लेता है, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज बीन अमिटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इन द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है, क्लियर है, पाम, केन, बैम्बू या बनाना। डायरेक्ट आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड ये सवाल था, और ये दृष्टि वृष्टि में जब ये करंट अफेयर्स आप पढ़ते थे उसमें डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं उसी से उठा हुआ सवाल है, मैं उस टाइम पे मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा था ये सवाल, तो आप जवाब दे सकते हैं इसका, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल था, अमेंडमेंट एक्ट 2017 जो है, अमेंडमेंट हुआ था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, ठीक है, उसके थ्रू कौन से पादप को या कौन से वृक्ष को यहाँ पर वृक्ष की परिभाषा से निकाल दिया गया है, जल्दी से। राजेश वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, सर जी विद बुक्स 2 आवर्स क्लास ले लो ना क्लास, बेटा 2 घंटे नहीं ले सकता, आगे की क्लास की सीमा भी आप समझ रहे हो ना मेरी बात, वरना मैं 2 घंटे ले लेता आपकी क्लास, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रीलिम्स का आज करा देता हूँ, मेंस का आराम से इज्जत से, भागा दौड़ी में नहीं करेंगे, इज्जत से करेंगे, मेंस का ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स का तो चलो ठीक है, प्रीलिम्स का तो, लेकिन मेंस में तो आपको आंसर राइटिंग करनी सिखानी पड़ेगी ना बच्चा मेरे को, वहां पर तो आंसर राइटिंग सिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम चाहिएगा मुझे, ठीक है, तो उसके लिए प्लीज आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी, मेरा वीडियो डिले हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ भाजी, मैं ये वापस कहता हूँ, राज बोलेगा सर झूठ बोलते हो आप, कितने दिनों से बोल रहे हो सर बुक लिस्ट वाला वीडियो लाने के लिए, बेटा बुक लिस्ट वाला वीडियो जरूर आएगा, ठीक है, इस मंथ में, दिसंबर दिसंबर में आ जाएगा, इस मंथ में आपको बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूँ उस मामले में, ठीक है। चलो बेटा एग्जाम्पल है इसका, डायरेक्ट एग्जाम्पल था, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंबू, बैंबू जो बांस है, बांस को वृक्षों की सी जो परिभाषा से डेफिनेशन से हमने अलग कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, तो 2017 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के हिसाब से बैंबू बांस को यहां से हटा दिया गया है। सवाल बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त सवाल है, इसके बारे में आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपने आपके जीवन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बायोटेक नहीं पढ़ी होगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, आपको जीवन में नहीं पढ़ी होगी, इतनी शानदार पढ़ाऊंगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, बायोटेक में पीसीआर आपको पढ़ाई जाएगी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पढ़ाई जाएगी, डीएनए के बारे में आप 70 जन्म में भी नहीं भूलोगे, अगला जन्म भी लोगे ना, आरएस की तैयारी में आपको वापस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डबल हेलिक्स है, एरर इन बेस सीक्वेंस है, डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए पॉलीमराइजेशन पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, कौन सा आधार होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार यहां पर क्या है, ये जवाब आपको देना है, बहुत इजी वे में फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा आपको, मेरा फेवरेट फेवरेट पार्ट है मेरा, दुर्घटना से देर भली ही, बिल्कुल बिल्कुल राज, कोमल, लोधी, डीसी, विकास, राज, ओके, रेखा, ओके, चलो मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसका। देखो बेटा, जब भी आप किसी अपराधी की पहचान करते हो, डीएनए टेस्ट करवाते हो, है ना,
होता है ना डीएनए टेस्ट, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी मौकाए वारदात के ऊपर जो भी सैंपल आपको मिला है, नाखून, बाल, ठीक है, खून, सीमन, कुछ भी मिला है, ठीक है, कुछ भी मिला है, वॉट एवर इट इज, तो हमने वहां से उस सैंपल को उठाया, लैब में लेकर गए और वहां पर कल्चर करवाया, एनडीएनए से कॉपीज बनाई, कॉपीज बनाने के बाद जो भी एक्यूज्ड है उसका डीएनए निकाला, ब्लड ब्लड किसी के थ्रू भी निकाल लो, गाल से निकाल लो, ब्लड से निकाल लो, थूक से निकाल लो, किधर से भी निकाल लो, क्लियर सीमन से निकाल लो, ठीक है, बहुत बथेरी, हर एक सेल में डीएनए होता है, उस सेल की कॉपीज बनाई एंड देन उन दोनों को मैच किया, मैच करने के बाद पता चलेगा कंप्लीट डीएनए मैच अगर हो रहा है तो वो अपराधी है, क्लियर है, अगर डीएनए मैच नहीं हो रहा, डीएनए बहुरूपता, पॉलीमो, अलग अलग रूपों में डीएनए को आपने देखा, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता का एक जो सीधा सीधा बेसिस होता है जिसके कारण आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हो, क्लियर है, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसको मैं डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी के लिए थोड़ा सा आप इसको होल्ड कर लीजिए, बस इतना पता होना चाहिए डीएनए बहुरूपता, ठीक है, डीएनए मैच नहीं होता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो डीएनए जो मैच होगा, आपके जो मम्मी अपने बच्चे को खो देती है, आया अपने राजस्थान में तो कुछ ज्यादा ऐसा होता है कि बच्चे चुरा लेते हैं, ठीक है, कुछ ये भी ज्यादा होता है कि बच्चे चुरा भी लेते हैं, बच्चे बदल जाते हैं, क्लियर, ये भी ज्यादा होता है कि बच्चों को रोड पर छोड़ जाते हैं, झाड़ियों में छोड़ जाते हैं, बच्चियों को छोड़ जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ राजस्थान में कुछ ज्यादा ही होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन वहां पर फिर आप जैसे बच्चे बच्चे एक्सचेंज हो गए हॉस्पिटल में, जोधपुर में रिसेंटली हो गया था, जनाना हॉस्पिटल जयपुर में भी हो गया था कि लड़की छोड़ गया लड़का उठा ले गए, ठीक है, तो ये कंडीशन भी होती है ऐसी, तो इन कंडीशन में आपको जो दोनों मां जो लड़ रही है ये नहीं बेरा है, नहीं बेरा है, ठीक है, अरे भैया लड़की को ले जाओ क्या दिक्कत है, ये बाहर भी लाके जूती मारेगा आपको, क्या ही मतलब है, ठीक है, तो वहां पर आप डीएनए टेस्ट करवाते हो एंड देन पता चलता है कि कौन सी मम्मी कौन सा बच्चा क्या क्या है। सवाल नंबर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पीसीज इज लोकेटेड, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर उपस्थित है, ठीक है, किस जगह में उपस्थित है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पीसीज, ठीक है, स्पाइसेस, सॉरी, इज लोकेटेड एट कहां पर उपस्थित है, राजस्थान में पढ़ा होगा ना आपने, राजस्थान का जब मैटर पढ़ते हो तो उसके अंदर आपने, आपके टीचर ने लिखवाया होगा पक्का आपको गारंटी के साथ में, और नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा दूंगा, डीसी, ओके, डीसी बिल्कुल सही आंसर है कोमल, बिल्कुल सही आंसर है राज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, डुमार, डुमारा या अजमेर, ठीक है, डुमारा में, अजमेर में एक जगह है डुमारा, अभी रिसेंट जाके आया हूँ परसों, ठीक है, डुमारा जो अजमेर है वहां पर आपका राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र वहां पर उपस्थित है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, तो लास्ट एक सवाल और है जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी क्लास में की थी, और आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट, अब एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट ये सवाल तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी में वो मैटर अगर आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पर इस सवाल को आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, तो ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द रेफरेंस टू कंपोस्ट, कंपोस्ट आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास कहीं ना कहीं कंपोस्ट आपने देखा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है यार कंपोस्ट खाद के बारे में यार, अब इसके बारे में भी आप अगर गलत कर दोगे ना तो फिर तो आप आरएस तैयारी बेवजह कर रहे हो, बेवजह ही कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, आराम से जवाब दे दीजिएगा, इससे सिंपल सवाल मेरे हिसाब से आरएस के अंदर शायद आज तक आया नहीं होगा 2018 के पेपर में, 2018 के पेपर में मेरे हिसाब से तो इससे सब सिंपल सवाल हो ही नहीं सकता, कोमल, विकास, ओके, ठीक डीसी, दो दो कोमल है यार, कोमल शर्मा और कोमल शवल, बेटा कोमल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, आराम से पढ़ लो एंड देन आंसर दो, ये 100% लगाया करो जब आप फुल कॉन्फिडेंट हो, कभी कभी बेइज्जती करवा देता है ये 100%, ठीक है, तो ऐसा अपन को ऐसा ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, आराम से आंसर देना है, ठीक है,
एक बार और पढ़ो आराम से चारों को, चारों को पढ़ने के बाद फिर आंसर दो। कभी ऐसा नहीं बोलना पड़े सर सॉरी सर ए नहीं बी है सर आंसर, सर बी आंसर सी आंसर, ऐसा नहीं बोलना पड़े बाद में। रेखा का आंसर सी है, राजेश का बी है, डीसी का सी है, कोमल का सी है, विकास का ए है और राज का सी है। भैया कंपोस्ट के नाम से मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा जानवर याद आता है, जो बड़ा फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा सा लगता है मुझे, जिसका नाम है केचुआ। जिसका नाम है केचुआ, जिसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, किसान मित्र भी कहते हैं। देखो बेटा एग्जैक्ट करता क्या है, मैंने आपसे एक डिस्कस किया था, एक चीज डिस्कस की थी मैंने आपसे, कहा था फंगस, फंगस बैक्टीरिया और कैचुआ ये तीन काम करते हैं, जो भी पदार्थ होता है कार्बनिक पदार्थ उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। ये तीनों चीजें कौन करता है, फंगस बैक्टीरिया और कैचुआ, तो ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ह्यूमस का मतलब जो आपके पत्ते कागज सब्जी के टुकड़े, ठीक है, जो भी कार्बनिक पदार्थ है उन कार्बनिक पदार्थ जो सड़े गले जो पत्ते हैं उन सबका डिकम्पोजिशन या अपघटन करते हैं ये तीन, जिसमें से हम तो किसकी बात कर रहे हैं कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट में कैचुआ ये काम करता है। तो कैचुआ उसको खा लेता है डाइजेस्ट करके और पोटी के रूप में उस मिट्टी को निकाल देता है, समझ में आया, पोटी के रूप में छोटी छोटी सी गोलियां निकालता है और वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, जिसके कारण उसमें डिकम्पोजिशन बहुत आसान और बहुत फास्ट हो जाता है। तो क्या इसको ये जो डिकम्पोजिशन का मामला है कैचुआ स्लो करेगा या फास्ट करेगा, मैंने कहा फास्ट करेगा। तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज स्लो डाउन बाय अर्थ वॉर्म, हमने कहा कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा वाला है, सी आंसर सही नहीं है, बाकी ए बी और डी सही है। आपका जवाब क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा। कोमल क्या आपका जवाब अभी भी ए ही है, बोलिए जवाब ए ही है क्या, ठीक है सर, वो 100% वाला पीछे क्वेश्चन का है सर। अच्छा इट्स ओके, लेकिन भाई मेरे पास में अभी आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक है। बताओ अभी अभी मैंने प्रीलिम्स के सारे पेपर्स आपके सामने हल किए, ये पेपर अभी अभी देखो आप आराम से देख लो, मैंने क्या कहा ये एनसीईआरटी का है, अभी नोट करो कितने सवाल एनसीईआरटी के, अभी देखो नोट करो एनसीईआरटी का है तो एक सवाल, ठीक है ये नहीं है एनसीईआरटी से, ठीक है एनसीईआरटी का है दो सवाल, ठीक है ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये एनसीईआरटी से सीधा का सीधा तीसरा सवाल, ये एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी से चौथा सवाल, एनसीईआरटी से पांचवा सवाल, एनसीईआरटी से छठा सवाल, एनसीईआरटी का नहीं है, 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 ये भी एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी से और ये एनसीईआरटी से 8 सवाल, ये एनसीईआरटी से 9 सवाल, ठीक है। अब बताओ आप 9 सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और आप, मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी वीडियोस डाले हैं उसके अंदर टॉपिक्स देख लेना, झूठा नहीं हूँ बिल्कुल भी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर झूठ नहीं कहूंगा। 8 से 9 सवाल आपके प्रीलिम्स में अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो आपका, आपको पाप लगेगा अगर आपने वापस से मुझसे ऐसा पूछा कि सर एनसीईआरटी के लिए, सॉरी आप सर प्लीज रेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिए सर कोई साइंस की किताब मुझे बता दीजिए, पाप लगेगा, भगवान कभी माफ नहीं करेगा, ऊपर क्या मुंह दिखाओगे जाकर आप, ठीक है, अगर आप फिर भी ये किताब पूछते हो कोई भी रेफरेंस बुक पूछते हो, अरे इतना मैटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है यार, क्यों नहीं पढ़ते हो जाकर वहां पर, पढ़ो उनको जाकर, आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं, वीडियोस नहीं पढ़ना चाहते तो एनसीईआरटी किताब से पढ़ लीजिए, डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड की किताब से पढ़ लीजिए यार, ठीक है। आप कमेंट्स तो देते नहीं हो बेटा, देख लिया ना मैंने, मान लिया हाँ कि तुम्हारा वो पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है मेरे पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर है बेटा, मान लिया मैंने, ठीक है। तो इस लेक्चर को यही खत्म करना पड़ेगा,
समय सीमा को लेकर, और नेक्स्ट जो वीडियो अपना रहेगा वो मेंस को लेकर रहेगा। मेंस में देखो मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा आपको, किस तरीके से आंसर राइटिंग करवाई जाएगी वो देखो यहाँ पर इस तरीके से है। मैंने यहाँ पर टाइप करके आंसर लिखे हैं, किस तरीके के आंसर यहाँ पर होने चाहिए थे। जैसे ये मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है, आज ही करवाया है मैंने, और ये मेंस का सवाल है, ठीक है। तो ये मेंस के सवालों के जो जवाब है वो आपको अच्छे तरीके से देने हैं। सारे मेंस का पेपर 2018 का, 2016 का, 2013 का, सारे पेपर हल करवाए जाएंगे आपको। हर एक सवाल आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, कहाँ कहाँ से आया है, एनसीईआरटी से आया है, एनसीईआरटी से नहीं आया, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आपका जो भी जो चैनल है एग्जाम राजस्थान 360, प्लीज इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे दिलीप टेन, आप अप्लाई करोगे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं कल। और कल एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे, प्लीज आ जाना क्लास के अंदर, ठीक है, प्लीज आ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा।